Hello and good morning all of you. I hope you all are doing good. I welcome you all to the Alpha S Academy's Science and Tech series, and we are at the lecture number 18. Now I understand that the speed of the lectures has been a bit slow, but then we are working on other projects also because it has become lately a bit difficult to survive, but then we are always for you and we'll strive to continue to do so in spite of any difficulty. So thank you all for your love and respect you have shown to us. Keep watching, and if you have any suggestion, you can always tell us in the comment box. Thank you very much. Also, or you can send a message to our number, which is given at the end of this lecture. If you need any help, any guidance, you can always contact us. We are always with you and for you. So today we shall be discussing about Internet of Things, cyber physical systems, net neutrality, and darknet. देखो darknet बेसिकली डार्कनेट मैं बहुत डिटेल में समझाना सही नहीं है, बट डार्कनेट होता क्या है अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे उसको थोड़ा सा। डार्कनेट क्या होता है कि डार्कनेट जो आप नेट सर्च करते हो वो तो एक नेट है, उससे बहुत बड़ा एक नेट है उसको बोलते हैं डार्कनेट, जो आपको दिखता ही नहीं है, जो जुर्म की दुनिया जिसको बोलते हैं, जुर्म की दुनिया बोलते हैं ना जिसको हम, ये वही डार्कनेट है। ठीक है, इसको हम लोग जुर्म की दुनिया बोलते हैं। ठीक है, या जो हमें विच वी कैन नॉट सी, जो हमें दिखता नहीं है। स्टार्टिंग करते हैं पहले IoT से। IoT स्टैंड फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है, बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है कि आप का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड है। वैसे तो बहुत सारे इसके कंपोनेंट होते हैं, बट देन ये एक टाइप का मशीन टू मशीन M2M कम्युनिकेशन है। मशीन आपस में कम्युनिकेट करती रहती है इसमें। ठीक है, मान ली छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दूं, आप रूम में घुसे, ऑटोमेटिकली आपकी लाइट्स ऑन हो गई, आपको फैन, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा सेल्सियस से ज़्यादा है तो आपको फ़ैन ऑन हो गया, आपका एसी ऑन हो गया। जैसे ही आप कमरे से बाहर निकले ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गए, ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गए। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है किसका, आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कौन कौन से आपके क्या क्या चीज़ें कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप ये स्कीमेटिक्स बना भी सकते हैं। एक तो आपका डिवाइस कनेक्शन, डिवाइस कनेक्शन किस किस के बीच में होगा, IoT डिवाइसेस, IoT कनेक्टिविटी एंड एम्बेडेड इंटेलिजेंस। ऐसी आपकी डाटा सेंसिंग होगी, कम्युनिकेशन हो गया, एंड डाटा एनालिटिक्स, डेटा वैल्यू एंड ह्यूमन वैल्यू। तो इन सबको जब आपस में आप कनेक्ट कर देंगे तो आपका बन जाएगा क्या, आपका बन जाएगा एक IoT, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग आप ये मान लीजिए कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम जो आपके अराउंड वर्क कर रहा है, जिसमें मशीन आपस में कनेक्ट करके चीज़ें को एग्जीक्यूट कर रही हैं। ये साइबर फिजिकल सिस्टम से थोड़ा सा अलग होता है। साइबर फिजिकल सिस्टम्स में क्या होता है, बेसिकली आप फिजिकली सिस्टम्स को एम्प्लॉय करते हैं कि चीज़ें काम कर सकें, इसके बाद देखेंगे वो। ठीक है, अब यार देखो सिग्निफिकेंस क्या है IoT की। देखो उससे क्या होगा, एक तो ऑटोमेशन होगा, ठीक है, चीज़ों को आप ऑटोमेट कर सकते हैं, आप चीज़ों को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चीज़ों को बेटर कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और आपका पैसा बचेगा। ये सब हम लोग ने नोट्स में लिखा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं, पैसा आपका बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद सरकार ने क्या क्या स्टेप्स लिए हुए हैं IoT प्रमोट करने के लिए, तो दो चीज़ें हम जो हमेशा बताते हैं। एक तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, एक ड्राफ्ट पॉलिसी बना दी, 2015 में, और एक सेंट्रल एक्सीडेंस बना दिया कहाँ, बेंगलुरु में। ठीक है भाई, IT वाला सारा काम कहाँ होता है, बेंगलुरु में होता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है, प्लस जो हमारा क्या डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, वो इसको क्या कर रहा है, वो इसको एड करेगा, वो इसको एड करेगा कि ये जो है आगे चल के जो है आपके CPS, दैट इज साइबर फिजिकल सिस्टम एंड IoT में हेल्प करें। ठीक है, ऐसे नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है हमारे पास, NDCP 2018 की, उसमें भी कुछ कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। चैलेंजेस क्या हैं, देखो चैलेंजेस मोर और लेस हर टेक्नोलॉजी के साथ एक ही रहते हैं, और आज की टेक्नोलॉजी के साथ तो एक ही है। एक तो आपका डाटा ब्रीच, कि आपका डाटा कभी भी ब्रीच हो सकता है, डाटा सिक्योर या डाटा सिक्योरिटी भी आप बोल सकते हैं इसको, ये एक बड़ा पहलू है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ है आपका कि ये एम्प्लॉयमेंट को घटाएगा, क्योंकि जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ती जाएगी आपके जो लेस एम्प्लॉयमेंट है, मोर स्किल जॉब्स क्रिएट होंगी, बट देन जो लेस स्किल जॉब्स हैं वो घटती जाएंगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, आपकी सिक्योरिटी इश्यूज तो रहेंगे ही हमेशा इसके साथ। देन आपकी ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स हैं कि आप इसे चलाएंगे कैसे, पता लग रहा कोई फैन कुछ आपका दिक्कत आ गया कोडिंग में या किसी भी चीज़ में, तो पता लग रहा वो फैन ऑफ ही नहीं हो रहा है या ऑन ही नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम्स रहती हैं टेक्नोलॉजीज के साथ। वे फॉरवर्ड क्या है, देखो वे फॉरवर्ड कभी ये नहीं होता कि हम उठा के बंद ही कर दें आईओटी को, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, आईओटी ने ग्रो करना है, आपको जो है उसको अच्छे से रेगुलराइज करना है, ठीक है, उसमें बेटर सिस्टम्स लाने हैं, ठीक है, क्वालिटी चेक करना है कि सिस्टम्स बढ़िया हो, और देखना है कि जो डाटा हो वो यहीं रहे, तो उसके लिए आप डाटा लोकलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और जो वेरियस इंडस्ट्रीज हैं उनको बराबर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो उसमें टेक्नोलॉजी का। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को ज़्यादा उसका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, तो ये इसका वे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब बात करते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम। तो साइबर फिजिकल सिस्टम आईओटी से थोड़ा सा अलग इसलिए होते हैं बिकॉज देर इज अ डिप्लॉयमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट कैन डू थिंग्स इन द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, ये फिजिकल वर्ल्ड में आपके फिजिकली काम करते हैं। ठीक है, दे डू थिंग्स इन फिजिकल वर्ल्ड। जैसे इसकी एग्जाम्पल आपको दूँ, आपने स्मार्ट ग्रिड बना दी। स्मार्ट ग्रिड क्या हुई, आपका एक ग्रिड बनी हुई है, आपके ए बी सी डी ई 5 रीजन से एक ग्रिड कनेक्टेड है। अब ए पे डिमांड बढ़ गई, बी पे डिमांड घट गई, तो स्मार्ट ग्रिड क्या करेगा, ऑटोमेटिकली ए की तरफ ज़्यादा बिजली मोड़ देगा और सी की तरफ बिजली कम कर देगा। अब स्मार्ट ग्रिड नहीं होगा क्या हुआ, आपने एक फिक्स कर रखा है उतनी जा रही है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग ये चेंज करता रहेगा। तो ये क्या हो गया, एक टाइप का क्या होगा, साइबर फिजिकल सिस्टम हो गया। ऐसे ही क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, आपका स्मार्ट सिटी जो मिशन है वो ऐसे ही है। अच्छा, इसमें क्या क्या डिप्लॉयमेंट होता है, सेंसर होता है, कम्युनिकेशन सेंसर के बीच में कम्युनिकेशन होता है, एक्चुएटर होता है, स्टोरेज होता है किसका, डाटा का, और उसमें जो डाटा का स्टोरेज होता है, डाटा की फिर कंप्यूटिंग होती है, उसी के बाद चीज़ें जो है एग्जीक्यूट की जाती हैं। ठीक है, तो आपका जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, रोबोटिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सब इसका पार्ट है। ठीक है, साइबर फिजिकल सिस्टम जो है बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं इसके, कि एक तो आप जो है ऑटोमेशन है, आपकी जो है एनर्जी, अगर मैं स्मार्ट ग्रिड की बात करूँ तो आपकी एनर्जी बच रही है, बेटर एफिशिएंसी, बढ़ एफिशिएंसी यूटिलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, आपकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ रही हैं इन एवरी फील्ड। ठीक है, आपका मैनेजमेंट बेटर हो रहा है। ठीक है, आपका और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन में आप इसको अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं आप इसको, भाई एक चौराहा है भाई, यहाँ पे 650 व्हीकल्स पर आर पास हो रहे हैं, यहाँ पे 300 व्हीकल्स पर आर पास हो रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं ना कि यहाँ पे भी 1 मिनट की लाइट दी जाए और यहाँ पे भी 1 मिनट की लाइट दी जाए। भाई यहाँ पे 10-20 सेकंड की लाइट से काम चल जाएगा, यहाँ 1 मिनट की लाइट चाहिए। ठीक है, ये काम अब पूरे दिन तो आप कैलकुलेट करते नहीं रहेंगे, बट देन आप सेंसर्स की मदद से, डेटा की मदद से, ओवर डेटा टाइम जो आप इकट्ठा करेंगे उसको आप मशीन लर्निंग से, ML का यूज़ करिए, मशीन खुद बता देगी कि इस टाइम जो है 6 बजे से 7 बजे तक इस रोड पर ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, तो हमें लंबी लंबी लाइन देनी है, तो बेटर आप मैनेज कर पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, चैलेंजेस क्या हैं, चैलेंजेस तो यार वही हैं, प्राइवेसी इशू है आपका, ठीक है, आपका सिक्योरिटी डाटा ब्रीच, ठीक है, आपका साइबर अटैक्स, ये सब क्या है, ये सब प्रॉब्लम इसके साथ भी हैं। ठीक है, देन हमने एक नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स बना रखा है। ठीक है, NMICPS, इसको कौन एग्जीक्यूट करता है, इसको बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूट करता है। इसमें वही सब बातें की गई हैं कि साइबर फिजिकल सिस्टम को हर इंडस्ट्री तक पहुंचाना है, उसको बेटर बनाना है। ठीक है, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एनर्जी, इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री के लिए बनाना है, ये वही जो बातें कही जाती है हर मिशन में वही कही गई है। ठीक है, अब बात करते हैं, मेरे को कॉन्सेप्ट होता है नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी क्या बोलता है कि भैया आप जो है किसी भी डाटा, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डाटा, देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डाटा, आप जो है डाटा के बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मान लिया मेरी एक एजुकेशन साइट है, ठीक है, अल्फा आई एस अकेडमी, ठीक है, और एक और IAS अकेडमी है, बीटा IAS अकेडमी। ठीक है, तो जो एल्गोरिथम वर्क करेगा, दैट शुड वर्क इन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मैनर। ऐसे नहीं कि अल्फा आई एस अकेडमी वाले ने आपको ज़्यादा पैसे दे दिए 100 रुपये घंटे के हिसाब से, तो जैसे ही IAS कीवर्ड आपने सर्च किया तो अल्फा आई एस अकेडमी आ रहा है, बीटा दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, या बीटा वाले ने आपको फिर 500 रुपये दे दिए तो बीटा ही आ रहा है, अल्फा वाला आ ही नहीं रहा है। तो यही जो है कि आप जो है पता लग रहा है कि जैसे ही आपने अल्फा आई एस अकेडमी की साइट खोली या चैनल खोला तो बहुत स्लो चल रहा है, बीटा खोला तो तेज चल रहा है, ठीक है, फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, ब्रीच ऑफ नेट न्यूट्रलिटी है कि नेट न्यूट्रलिटी नहीं है। तो आपको जो है डाटा जो है बिल्कुल आपको जो है एकदम नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अनबायस तरीके से उसको ट्रीट करना है, आप किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। इसीलिए इसके तीन जो कंपोनेंट्स होते हैं भैया, नोट कर लीजिए,
एक तो नो ब्लॉकिंग, आप किसी भी डाटा को ब्लॉक नहीं करेंगे, यही इसका नेगेटिव भी है कि जो ऑफेंसिव साइट्स हैं आपकी, आपकी पॉन साइट्स हो गई, आपका उसमें आपका साइबर हैकिंग वाली साइट्स हो गई, ये सब क्या है, ये सब भी इनको भी इक्वल एक्सेस मिलता है और ये जो है ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाती हैं आने वाले समय में। ठीक है, आपका नो थ्रॉटलिंग, नो थ्रॉटलिंग मतलब कि आप जो है बेसिकली किसी भी डाटा की स्पीड जो है स्लो नहीं करेंगे। ठीक है, आप जो किसी भी डाटा की स्पीड स्लो नहीं करेंगे। एंड नो पेड प्रायोरिटाइजेशन, ऐसा नहीं कि आप किसी ने पैसा पे कर दिया तो आप जो है ज़्यादा उसको स्पीड दे देंगे या उसकी जो है ज़्यादा विजिबिलिटी बढ़ा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। दिस इज नोन एज नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, आपका इसका जो प्रिंसिपल है दैट द डाटा इंटरनेट इज ओपन एंड इट शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, इट शुड बी ओपन एंड इट शुड बी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है इसकी, कि एक तो ये ओपन इंटरनेट को बढ़ावा देता है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है इसका। ठीक है, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेचर है इसका। ठीक है, उसके बाद आपका लेवल फील्ड प्लेइंग स्टार्ट करता है। ठीक है, जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना अच्छा फल मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपने पैसे दिए। अभी जैसे ट्विटर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, क्या बवाल मच रहा है कि भैया आप 1 डॉलर पर मंथ जीतिए और आपको ब्लू टिक मिल जाएगा। भैया मेहनत करिए ना ब्लू टिक पाने के लिए, पैसे से तो क्या करना है, पैसे जिसके पास पैसा है वो ब्लू टिक खरीद लेगा। ठीक है, तो जरूरी है कि हम जो है हार्डवर्क को बढ़ावा दें। ठीक है, अब मैं ट्विटर की किसी पॉलिसी के खिलाफ कमेंट नहीं करना चाहता या कोई वो नहीं है, बट देन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, एक लाइव एग्जाम्पल है, अभी हाल ही का एग्जाम्पल है, तो उसको चीज़ों को उस कंटेक्स्ट में समझना बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, ट्विटर 9 डॉलर दो ब्लू टिक लो। ठीक है, तो क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ठीक है, एक आदमी ओवर द ईयर्स मेहनत कर रहा है तब ब्लू टिक पा रहा है, मतलब तो तब ब्लू टिक मिलेगा ही नहीं क्योंकि उसके पास पैसे ही नहीं होंगे। ठीक है, और ये जो है इनोवेटिव आइडियाज़ को भी प्रमोट करेगा नेट न्यूट्रलिटी। ठीक है, क्योंकि हर किसी के पास एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी। ठीक है, फ्रीडम, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू भी है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को प्रमोट करेगा, जो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू भी है। आर्ग्यूमेंट्स क्या है, नेट न्यूट्रलिटी क्यों नहीं होनी चाहिए, भैया सारे डाटा को एक जैसा वो मिल रहा है। ठीक है, चाहे वो स्टडी बेस्ड हो, चाहे एक स्टडी बेस्ड कंटेंट है, एक आपका क्या बोलते हैं हैकिंग बेस्ड कंटेंट है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको गलत चीज़ें सिखाती है। ठीक है, सिगरेट पीना सिखा रहा है कोई, ठीक है, उसको इन दोनों ही डाटा को जो है इक्वली ट्रीट किया जा रहा है इंटरनेट द्वारा, ये भी सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक बंदा ज़्यादा मेहनत करता है, एक बंदा कम मेहनत करता है, दोनों के डाटा को इक्वल ट्रीट किया जा रहा है, दोनों को बराबर पैसा मिल रहा है, ये भी ठीक नहीं है। इलिसिट कंटेंट बहुत ज़्यादा आ जा रहा है। ठीक है, आप जो है बैंडविथ लिमिटेड है उसके अंदर फालतू का डाटा, भाई अब जो है, अब आज के टाइम पे आप देखिए आपके लिए यूट्यूब स्काइप कितना इंपॉर्टेंट है, आपके लिए स्काइप एंड यूट्यूब कितना इंपॉर्टेंट है, बट देन अगर इसको आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, ठीक है, वो अर्जी फर्जी साइट चल रही है उसे भी उतनी बैंडविथ दे देंगे, तो बैंडविथ तो आपका लिमिटेड है ना, तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, बट देन कभी कभार ज़्यादा प्रायोरिटाइज करने के चक्कर में भी लंका लग जाती है। तो इसलिए एक ए के भार्गव कमेटी थी, ए के भार्गव कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट्स दिए, वो नोट्स में दिए गए हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि जैसे यूज़र राइट्स के बारे में बात करी उन्होंने इंटरनेट पे, उन्होंने कहा कि नेट, उन्होंने ये भी कहा कि नेट न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड होना चाहिए, क्वालिटी ब्रॉडबैंड होना चाहिए, यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड होना चाहिए। ठीक है, जैसे उन्होंने फिर बात की कि ओटीटी है, तो ओटीटी को आपको प्रमोट करना है, अगर इनके ग्रोथ में कोई हिंड्रेंस आ रही है तो आप उसे हटाइए। ठीक है, तो बेसिकली एक तो जो वे फॉरवर्ड में आ जाएगा वो एक भार्गव कमेटी का आ जाएगा। ठीक है, देन आप यूजर राइट्स की बात कर सकते हैं, यूजर के क्या राइट्स हैं। ठीक है, यूजर राइट्स की बात कर सकते हैं। ठीक है, देन जो डिस्क्लोजर्स हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं, ये सब जो है आपस में आप देख सकते हैं। ठीक है, डार्क नेट मैंने आपको बताया था कि वो नेट जो कि आपके सामने नहीं दिखाई देता, बट देन आप जो है उसको पीठ पीछे, या मैं बोलूं कि आप उसको जो है बाद में, जो इंटरनेट के पीछे छिपा हुआ है, जो इंटरनेट के सामने नहीं है, जहाँ से आप किसी की सुपारी दे सकते हैं, मर्डर करवा सकते हैं, जहाँ ड्रग की डीलिंग हो रही है, तो एक मैं आपको बताऊँ, उधर टॉर आता है, द अनियन रिंग ब्राउजर आता है। अब उसके ब्राउजर भी स्पेशली आते हैं, सब उसमें क्या करते हैं, जो डार्क नेट को एक्सेस करता है वो अपने कैमरे पर टेप लगा देता है, वीपीएन का यूज़ करते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, आपको पता नहीं लगता आप यूज़ यहाँ कर रहे हैं, आपका आईपी एड्रेस दिखाएगा रशिया का। ठीक है, तो ये सब होता है डार्क वेब। देखो वेब के भी क्या 3 पार्ट होते हैं, सरफेस वेब जो हमें दिखता है, एक डीप वेब होता है, एक डार्क वेब होता है, जो कि इलिसिट कंटेंट या डार्क कंटेंट के लिए
पोर्नोग्राफी के लिए, एनोनिमिटी बनाने बनाने बनाए रखने के लिए, इलिसिट कंटेंट डालने के लिए, आपका इलीगल एक्टिविटीज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इंडिया ने भी काफ़ी ज़्यादा उसमें काफ़ी आगे तक उसमें काम किया है और अभी काम चल रहा है, ठीक है। बट देन क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर है जो अभी ग्रो ही हो रहा है इंडिया में, तो उसके साथ साथ चीज़ें चल रही हैं और हमें जो है टाइम के साथ इम्प्रूव करना है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट डे। आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे। एंड प्लीज़ टेल अस ऑन विच कंटेंट यू वॉन्ट अस टू मेक वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी एंड टेक केयर।